रामनवमी के शुभ अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के करीब 25,000 से अधिक तादाद में महिलाएं, बूढ़े बच्चे, नौजवान, श्रद्धालु, भक्तजन शोभा यात्रा में शामिल रहे। वहीं अंजनी कुमार दास, सुमन भगत आदि सहित हजारों की संख्या में बजरंग दल के सदस्य भी शामिल रहे। शोभा यात्रा के सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए आजमनगर थाना मैदान से रूट चार्ट के अनुसार पैदल चलते रहे। यह पैदल शोभा यात्रा लगभग 6 किलोमीटर की थी, जबकि प्रशासनिक महकमे से थाना अध्यक्ष मनीष कुमार साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा संघ कदम से कदम मिलाकर रूट चार्ट के अनुरूप थाना मैदान से केसरी चौक, प्रभास चौक, गुदरी बाजार, दरोगा बगीचा, तहसील दार टोला, पाल टोला होते हुए सनिचरी हाट में महाआरती सम्पन्न कराने के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में भक्तजनों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। वहीं चौक चौराहों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था दिखा। शोभा यात्रा में राम जी की सवारी, संग प्रभु श्री राम का रथ, सीता मैया के साथ हनुमान जी, लक्ष्मण जी की झांकियां निकाली गई, जो काफी दार्शनिक थी। वहीं शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भगत ने कहा, आने वाले हर साल में हम सभी राम भक्तों शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे तथा शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आजमनगर में गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मनाएंगे। शोभा यात्रा के कमेटी के सभी सदस्यों की अहम भूमिका दिखी। आजमनगर रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा पिछले साल की तुलना में उससे कहीं अधिक संख्या में और बेहद विकार रूप से शोभा यात्रा निकला और उसके सफल संचालन हेतु हमारे आजमनगर बजरंग दल के सभी सदस्यों ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और हर परिस्थिति को झेलते हुए, विषम परिस्थिति को झेलते हुए शोभा यात्रा को का सफल संचालन किया गया और जिसमें कि हमारे आजमनगर के प्रशासन पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे, उनका भी अहम योगदान रहा। हमारे जितने भी आजमनगर के बजरंगी भाई हैं, सभी का अहम भूमिका रहा इस शोभा यात्रा के संचालन हेतु। इसी वर्ष की भांति आने वाले हर साल में हम इससे अधिक से अधिक संख्या में हम चाहते हैं कि कोशिश करें और इससे भी विकराल रूप में हम आने वाले समय में शोभा यात्रा का संचालन करेंगे। आजमनगर से मुजफ्फर हुसैन की रिपोर्ट।